आज की सबसे पहली खबर है दोस्तों, हिंदुस्तान के बहुत ही चालाक और बहुत ही खौफनाक चूहे। सही सुना आपने, चूहे। 3 साल पहले मुंबई पुलिस ने अराउंड 34 केजीज के ड्रग्स पकड़े थे जो कि मिसिंग चले गए थे, और अब 3 साल बाद मुंबई पुलिस ने हमें बताया है कि ये ड्रग्स चूहे खा गए। ये पहली बार नहीं है कि जब हिंदुस्तान के चूहे खबर में आ रहे हैं। कुछ महीने पहले बिहार पुलिस ने हमें बताया था कि 9 लाख लीटर की जो अल्कोहल दारू है इन्होंने पकड़ी थी, वो भी चूहे पी गए थे। इस चीज को सुन के हैरान मत होइए दोस्तों, क्योंकि मैं भी बचपन में बोला करता था, बताया करता था अपनी टीचर को और अपने मम्मी पापा को कि मेरा होमवर्क चूहे खा गए। तब मुझ पे कोई यकीन नहीं करता था। अब जब पुलिस के केस सामने आने लग रहे हैं, यहाँ कहीं दारू पीने लग रहे हैं चूहे, कहीं पे ड्रग्स खाने लग रहे हैं, अब सबको यकीन होगा फाइनली। दूसरी खबर में हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी भाई साहब की, जो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं एक कोल माइन बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ के ऊपर, द ग्रेट बैरियर रीफ, जिससे इसको बहुत खतरा पहुंचता है। और जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में लोगों को ये पसंद नहीं कि एक इंडिया से बिजनेसमैन आके एक कोल माइन बनाए जिससे कि उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल ने हिम्मत दिखाई गुजरात आने की और अडानी के जो पुराने काम है उनको एक्सपोज करने की। उन्होंने एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको चलाया भी अपने टीवी चैनल पे, लेकिन एक भी इंडियन मीडिया में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस न्यूज चैनल की डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाए। ये डॉक्यूमेंट्री अगर आपको देखनी है दोस्तों, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इस टीवी न्यूज चैनल ने अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन भी डाल रखी है, आप इसे ऑनलाइन जाके भी देख सकते हैं। ऊपर से आजकल ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, हजारों में लोग आ रहे हैं बीच पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चीज भी किसी इंडियन मीडिया ने नहीं दिखाई। इस कोल माइन को बनाने के लिए लोन और किसी ने नहीं बल्कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही दिया था, $1 बिलियन का। हमारे देश की इकोनॉमी की तो दोस्तों आपको पता ही होगी क्या हालत है, इकोनॉमी क्रैश हो जा रही है, जीडीपी नीचे जाया जा रहा है, लाखों लोगों को जॉब्स का नुकसान उठाना पड़ा है, लाखों लोगों को बिजनेसेस बंद करने पड़े हैं अपने। लेकिन इन सब के बावजूद जो इंडिया के टॉप 100 richest आदमी है उनकी जो वेल्थ है पिछले साल के कंपैरिजन में, उसमें 26% का इंक्रीज दिखा है। जो इंडिया के richest आदमी है मुकेश अंबानी साहब, उनकी वेल्थ में पिछले साल के कंपैरिजन में भी इंक्रीज दिखा है, $15 बिलियन का इंक्रीज दिखा है पिछले साल के कंपैरिजन में। सोचिए कैसे पॉसिबल हो सकता है जब देश की इकोनॉमी डूबे जा रही है लेकिन जो richest लोग हैं देश में उनकी वेल्थ बढ़े जा रही है। हैदराबाद से एक बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों। जब हैदराबाद में परसों सुबह लोग उठे इस हफ्ते, तो उनको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला लेक के आसपास। 20-30 फार्मा इंडस्ट्रीज थी इस लेक के आसपास, जिन्होंने अपना सारा का सारा केमिकल वेस्ट लेक में ऐसे कैसे डंप कर दिया। इस डंप करने की वजह से 23 लाख फिशेज मारी गई, और ये न्यूज इतनी मेनस्ट्रीम मीडिया में उठी भी नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है जो इंडस्ट्रीज को इतना प्रेशराइज नहीं कर पाती है। यहाँ पे फाइन करना भी इन इंडस्ट्रीज को काफी नहीं होगा, इतने बड़े एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्पनसेट करने की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। ध्यान रखना चाहिए ऐसा कभी भी फ्यूचर में ना हो पाए। अगली खबर में डोकलाम इशू, जिसको बताया जा रहा था इंडियन मीडिया के द्वारा कि वो रिजॉल्व हो चुका है कुछ दिन पहले, और जिसमें कि बहुत सारे प्रोपोगंडा पेजेस मोदी की तारीफ करने पे जुट गए थे कि ये देखो मोदी जी ने डोकलाम इशू को सॉल्व कर दिया चाइना के साथ, अब वो वापस उभर आया है। सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जिस पॉइंट पे स्टैंड ऑफ हुआ था इंडियन और चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स के बीच में, वहां पे चाइना फिर से एक रोड कंस्ट्रक्ट करने लग चुका है, और इस बार उसके 500 से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, जो आपको बिकाऊ मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगा, ये खबर एक्सपोज करी है द वायर के जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह ने। रोहिणी सिंह ने पहले 2011 में वाड्रा डीएलएफ डील्स को भी एक्सपोज किया था। तो इसमें अमित शाह के बेटे जय शाह की एक कंपनी है, टेम्पल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। खबर क्या है, 2015 में इस कंपनी का रेवेन्यू था ₹50,000 और 2016 में इस कंपनी का रेवेन्यू था ₹80 करोड़, यानी सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 16% का इंक्रीज दिखा है रेवेन्यू में। अब सवाल यही है कि ऐसा क्या हो गया उस एक साल में कि इतना इंक्रीज दिख गया रेवेन्यू में।
अब मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना इजी कर दिया, कि कुछ लोगों के लिए वो सुपर इजी हो गया, तभी इतना बड़ा इंक्रीज दिखा है कि टेम्पल एंटरप्राइजेस नई ऊंचाइयां टच कर रहा है आज इसकी वजह से। हो सकता है ना, अब आप ही बताओ। फोटो ऑफ द वीक में है दुर्गा पूजा के बाद हमारी यमुना नदी की फोटो। बहुत ही खुश होंगे हमारे भगवान कि हम इस तरह से उनकी पूजा करते हैं कि हमारी नदियां इतनी साफ सुथरी बन जाती है पूजा करने के बाद। क्या बात है। पर्सनली मैं तो दिवाली का इंतजार नहीं कर सकता हूं कि हमारी हवा कितनी साफ सुथरी बन जाएगी पूजा करने के बाद। वाह। पहली अच्छी खबर दिल्ली से आई है, जहां पे कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने 7 अक्टूबर 2017 को 5,700 से ज्यादा क्लासरूम्स इनॉग्रेट किए। 5,700 क्लासरूम्स, ये 100 अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स में बनाए जाएंगे दिल्ली के। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है, पिछले साल भी कुछ 8,000 के करीब नए क्लासरूम इनॉग्रेट किए गए थे। तो ये सारे वो क्लासरूम्स हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर में। दूसरी अच्छी खबर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है, जिन्होंने बोला है कि अब हर मार्टियर को 1 करोड़ से ज्यादा की कॉम्पनसेशन दी जाएगी उनकी फैमिली को। बहुत ही अच्छी स्टेप है ये। इस एपिसोड के अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है मोहन कुमार जी। इन्होंने एक ऐसी सिटीजन सेफ्टी की ऐप बनाई है जिसमें कि आप सारे सर्विस पर्सनल्स की आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हो और ये बता सकते हो कि वो फ्रॉड है कि नहीं है। जैसे कि आपके डिलीवरी बॉय हो गए, आपकी हाउसमेड हो गई, आपके टेक्नीशियन हो गए जो घर काम करने आते हैं, प्लम्बर कोई टीवी रिपेयर करने आया, इन सब की आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हो। इससे दोनों तरफ के फायदे हैं, एक तो आपके एज ए कस्टमर भी फायदा है, और अगर आपकी कोई कंपनी है जो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करती है तो उनकी भी आप ऑथेंटिसिटी, वो कितने सेफ है कि उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया, आप इसको ऐप के थ्रू चेक कर सकते हो। तो ये सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ऐप के थ्रू रजिस्टर हो चुकी हैं। इस ऐप का नाम है पहचानो, और आप पहचानो.com पे जाके या इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके इस ऐप के बारे में जान सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है या एक स्मॉल बिजनेसमैन है तो आप भी इस ईमेल पे लिख के मुझे प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पूछ सकते हैं। और अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा। इस बार मैं ट्विटर के कुछ ट्वीट्स पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, आइए सुनते हैं। सबसे पहला ट्वीट लिखा है अमित मालविया जी ने, ये बीजेपी आईटी सेल के हेड है। रोहिणी सिंह्स आर्टिकल इन वायर इज हॉलो, नो फेवर, नो इम्प्रॉपर्टी, ओनली मलिशियस इम्प्यूटेशंस, हैशटैग लाइज अगेंस्ट शाह। अच्छा भाई। अगला ट्वीट है आशीष मेरखेट का, रोहिणी सिंह्स आर्टिकल इन वायर इज हॉलो, नो फेवर, नो इम्प्रॉपर्टी, ओनली मलिशियस इम्प्यूटेशंस, हैशटैग लाइज अगेंस्ट शाह। अगला ट्वीट है अमित शाह फैन क्लब का, रोहिणीज आर्टिकल इन वायर इज होलो, नो फेवर, नो इम्प्रॉपर्टी, ओनली मलिशियस इम्प्यूटेशंस, हैशटैग लाइज अगेंस्ट शाह। अगला ट्वीट है शारद सामरे का, जो लिखते हैं रोहिणी सिंह्स आर्टिकल इन वायर इज होलो, नो फेवर, नो इम्प्रॉपर्टी, ओनली मलिशियस इम्प्यूटेशंस, हैशटैग लाइज अगेंस्ट शाह। फिर लिखा है ADIKHM गुजरात, रोहिणी सिंह आर्टिकल इन वायर इज होलो, नो फेवर, नो इम्प्रॉपर्टी, ओनली मलेशियस इम्प्यूटेशंस, हैशटैग लाइज अगेंस्ट शाह। तो ये है दोस्तों बीजेपी आईटी सेल का पेड ट्विटर ट्रेंड, जो अमित शाह की खबर के सामने डिफेंस के लिए उन्होंने चलाया है। वही कॉपी पेस्ट ट्वीट, कॉपी पेस्ट ट्वीट आपको हैशटैग लाइज अगेंस्ट शाह में दिखेंगे। आप जाके इन ट्वीट्स को सर्च कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि ये क्यों एक फेड और फेक और पेड ट्विटर ट्रेंड है यहाँ पे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे इस काम को सपोर्ट कर सकते हैं आप पेट्रियन पे जाके कंट्रीब्यूट करके, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और वीडियोज देखने के लिए। मिलेंगे हम फिर अगली बार दोस्तों, धन्यवाद।